अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद के साथ आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 12 रोज़े हो गए। आप तमाम लोगों को बार-बार रोज़ा बहुत मुबारक हो। और देखें किस तरह तेज़ी से वक्त गुजरता है, पता भी नहीं चलता। यही लॉकडाउन, यही सब कुछ, कोरोना, सब होने के बावजूद फिर भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वो अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी सब चीज़ें उसी तरह से रखी हुई हैं। अब आप देखें बेशक बाज़ार बंद होते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले आप देखें कितनी रौनक होती है। तो बस हम यही सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला दोबारा से हमारी मस्जिदों में, हमारे काबा शरीफ में, हमारे बाज़ारों में वही रौनकें हों। आप लोग भी मिलके सब दुआ करा करें कि अल्लाह की ज़ात करें जल्दी से कोरोना ख़त्म हो और वापस से दोबारा रूटीन में वो हालात आ जाएँ। आमीन सुमा आमीन। इसके साथ हम बना रहे हैं आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं आइसक्रीम शेक बन रहा है, दही चिकन बन रहा है और साथ में डीप फ्राइड लज़ानिया बने। हमारे पास है बेक पार्लर और आपको पता है कि बेक पार्लर की जिस तरह से होती है सारी चीज़ों का जिसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आज है आपके लिए गिफ्ट भी है और सवाल भी है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैं इन्हीं अज्जा में से आपसे कोई ना कोई सवाल करूंगी जिसका आपने जवाब देना है और आप जीत सकेंगे। ये हमारे पास है यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का, आप देख सकते हैं एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और कोशिश होती है हमेशा ये डिलेक्स स्टीम आयरन दे रहे हैं और हमारी कोशिश हमेशा होती है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अच्छा और नया चेंज ले कर आएँ। तो पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो इस वक्त अज्जा रखे हुए हैं, चिकन है 1/2 किलो दही चिकन के लिए, दही है 1/2 कप है, लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, गोल मिर्ची चाहिए 6 अदद, इसके साथ हरा धनिया 1 गड्ढी है, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, साथ में सिरका 1 खाने का चम्मच और 4 खाने के चम्मच हमारे पास है कनोलिव ऑयल। कनोलिव ऑयल का मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन किस्म का ऑयल है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप कनोलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, इसलिए इसमें शामिल है सनफ्लावर है, साथ में इसके अंदर कनोलिव शामिल है और इसके अंदर ऑलिव भी शामिल है, जैतून भी शामिल है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी सेहत को का ख्याल रखते हैं और बेहतरीन ऑयल है जो जमता नहीं है, खाने में कोई आर्टिफिशियल मतलब स्मेल नहीं आ रही होती, कुछ में ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ का शामिल नहीं किया हुआ, इसलिए ये बेहतरीन ऑयल है जो हज़म भी हो जाता है और अच्छी बात ये भी है कि जायका भी है और इसके साथ आपको सवाब भी है। जब आप ऑयल की बॉटल ख़रीदेंगी इसमें आपको बचत भी मिलेगी, छोटी बॉटल के अंदर आपको 36 रुपीज़ की बचत मिलेगी और बड़ी बॉटल के अंदर आपको 60 रुपीज़ की बचत मिलेगी। और इसके साथ कुछ हिस्सा इसका जो है वो डोनेशन के लिए शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल को जाता है। तो आप देखें जायके के साथ साथ आपको सवाब भी मिलेगा अगर आप कनोलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ख़रीदेंगे। ठीक है जी, तो अब ये है कि हम आज का सवाल भी हम करेंगे, इसलिए कि सवाल हमारा का जो सही जवाब देते हैं उनको मिलता है ज़बरदस्त सा गिफ्ट टाइम पर। आज तो बड़ी ज़बरदस्त सी आयरन है मिल रही है और आज का सवाल ये है कि अगर घर में जिस तरह से होता है कि हम दही जमा रहे होते हैं, दही जमा रहे होते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा है कि दही की झाग भी नहीं होती, ये इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ, मैं शायद इनमें से किसी ना किसी को कोई ना कोई टोटका पता हो और जिन लोगों के घर में कभी दही की होता नहीं है थोड़ा सा, तो कहते हैं किस तरह से दही को जमाया जाए। और रमज़ान भी आपको पता है, रमज़ान में दही के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, ज़ाहिर है सहरी में भी खाया जाता है, अफ्तारी में भी लस्सी वगैरह बनाई जाती है। तो बस आपने 888-1 पर मैसेजेस का जवाब देना है और विन कीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास इस पर देख रहे हैं जो हमारे पास यहाँ पर ड्राई वाइप्स रखे हुए हैं, ये सतीन जो के जो टिश्यूज़ हैं जो प्योर कॉटन जो कहते हैं ना 100% प्योर कॉटन है और ये मेड इन पाकिस्तान है और ज़बरदस्त किस्म के ये टिश्यूज़ हैं जो मतलब कोई भी हम टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं तो सफाई करने के बाद इस्तेमाल के बाद हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन 3 गुना ये ज़्यादा इजाफा करता है। आप 3 बार इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी खुशबू नहीं डाली हुई, कोई केमिकल नहीं डाला हुआ कि जब आप इस्तेमाल करें तो आपके हाथों में या फेस पर आपके ऊपर कोई रैशेज हो जाए, कोई इस तरह से हो जाए। तो मैं ये कहूँगी बहुत अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल जैसे प्योर कॉटन की का ये प्योर ये देखें कॉटन में, और आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे और आप ये देखें जल्दी फटता भी नहीं, अमूमन टिश्यू को आप खींचें और फ़ौरन फट जाता है और इस्तेमाल के बाद वो वेस्ट हो जाता है, ज़ाहिर है, लेकिन इसमें 3 गुना ज़्यादा ये जस्ट करता है। चाहे आप पराठे बनाकर इसके ऊपर रख लें, चाहे रोल समोसे जो भी रखें, तो मैं भी आज इसका इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर है मेरे पास चिकन है, ये देख लीजिएगा, बड़ी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। सिर्फ हम एक चीज़ करेंगे कि ज़रा सा ज़ीरे को और ये गोल मिर्चों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। ठीक है, ज़ीरा और गोल मिर्चों को हम भून लेते हैं, हल्की सी खुशबू मज़ेदार सी आएगी तो एक अच्छा सा लगेगा। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं और बड़ा झटपट बन जाता है, ख़ास रमज़ान की रेसिपी। आपको होता है ना कि रोज़े में कभी बाज़ दफ़ा ऐसा मूड भी होता है कि नहीं कुछ पकाएं
और या फिर कोई पकाएं तो जल्दी झटपट सा हो जाए, तो ये बड़ी झटपट वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के। चलें जी, जितनी देर में ये पकता रहेगा इतनी देर में हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। ये मेरे पास दही है, दही हम इसमें डालेंगे। ठीक है, बस हल्का सा आपने फेंट लेना। दही, दही के साथ यहाँ पर, अच्छा मिर्च का ये है कि जैसे रमज़ान है, रमज़ान की वजह से हम थोड़ा सा मिर्चों का कम ही इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है सहरी में भी खाया जाता है, अफ्तार में भी खाया जाता है, फिर सीने में जलन वगैरह भी हो जाती है। तो मैंने इसमें जो लिए गोल्ड वाली मिर्ची, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च इसमें डालनी है तो आप इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे हम हल्दी, ठीक है, हल्दी इसमें डालेंगे, साथ में इसमें जाएगी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च के साथ यहाँ पर जाएगा या मेरे पास है लहसुन, सोया सॉस, ठीक है, ये सोया सॉस। यहाँ पर खुशबू आनी शुरू हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर सिरका ले लें या नींबू का रस आप ले लीजिएगा, एक खाने का चम्मच ले लीजिएगा, और नमक आधी चाय का चम्मच या फिर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इसलिए कि आधा किलो के अंदर आप तकरीबन आधी चाय का चम्मच ही नमक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये ज़ीरा और इसके साथ ये मिर्चें हमारी थोड़ी सी हो गई हैं, खुशबू बड़ी प्यारी आने लगी है, ये भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। अब इसको मिक्स करती, वैसे तो कोशिश कर लीजिएगा इसको मैरिनेट करके रख लें थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले इसके अंदर सारी चीज़ें लगाएं, उसको रख दें। ये बिल्कुल ड्राई सा होगा, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी, खुश मसाले वाला होगा और बड़ा मज़ेदार ये बनता है। ये आप इसको पराठे के साथ खाएँगे सहरी में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सही है, चलें जी इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर इसको मैं रखती हूँ फ़िलहाल, थोड़ा सा ये मैरिनेट हो। और हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है कनोलिव ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है न्यूट्रिशंस, और डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस देंगे कि आप इसका इस्तेमाल करें, इसलिए कि ये जो है खाना हज़म भी हो जाता है जल्दी और बेहतरीन है, जो सेहत भी और जायका भी आपको मिल रहा है, और इसके साथ आपको क्या कहते हैं सवाब भी मिल रहा है। तो हम इसी का इस्तेमाल कर, ठीक है, इसको करते हैं हम ये सतीन के साथ थोड़ा सा ड्राई। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा बिल्कुल इस तरह से, देखें कैसा ड्राई, कितना ज़बरदस्त हुआ है, बिल्कुल जिस तरह से आप कॉटन के साथ करते हैं ना अपना कॉटन जो हम किचन टॉवल्स वगैरह होता है उससे, तो इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो गया। अब आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि तीन गुना ज़्यादा ये जज्ब करता है। ये देखें बिल्कुल यह ज़बरदस्त किस्म का है। इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं कनोलिव ऑयल इसके अंदर, तकरीबन आपने आधा कप के जितना ले लेना है, बेहतरीन ऑयल है, हम इसके अंदर डालेंगे। देखें बिल्कुल कलर इसका देखें क्या ज़बरदस्त, और कोई ऐसी खुशबू नहीं है कि आपके खानों में एक ही आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए जी वापस आएंगे, जब तक थोड़ा सा मैरिनेट होता है आपके सामने इसको डालेंगे ऑयल में, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बन रहा है दही चिकन। ये इसको मैंने मसाला पूरा लगा कर इसको रख दिया था, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैरिनेट हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये ड्राई वाला होता है खुश्क वाला, ये मतलब ग्रेवी मसाला वाला नहीं है, बस सिर्फ खुश्क वाला है। तो ये पूरा मसाला लगा कर अब यहाँ पर मैंने कनोलिव ऑयल डाला है, उसके अंदर हम इसको डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बस इसको ढक दीजिएगा इसी पानी के अंदर, दही के पानी के अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। फिर तेज़ आ करके आपने भूनना है, तो ऊपर आपने हरा धनिया डाल देना है। बहुत सिंपल मसाले थे, कुछ ऐसे नहीं थे, हमने इसमें काली मिर्च ली, ज़ीरा भुना हुआ लिया, गोल मिर्चें छः अदद ली, नमक लिया, हल्दी ली, थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका ले लीजिएगा, और साथ में आपने लेना है सोया सॉस। ये सारी चीज़ें लगाकर आप इसको एक घंटा आधा घंटा मैरिनेट कीजिएगा, फिर आपने ऑयल गर्म करके इसको ढक के रख दीजिएगा। तो मैं भी अब इसको कवर कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर कवर कर देते हैं, आराम से पकता रहेगा, आपकी टेंशन भी नहीं है। ज़ाहिर है रमज़ान में थोड़ा सा टाइम भी कम ही होता है, सबकी ये कोशिश होती है कि आसान सी रेसिपीज़ हो ताकि हम उसको बना सकें। यहाँ पर आखिर में आप मिर्चें और हरा धनिया डाल दीजिएगा, तो थोड़ा सा ये तीखा सा हो जाएगा। चलें जी बस इसको कवर करते हैं, अब हमने कुछ भी इसको नहीं करना, बस सिर्फ कवर करके इसको रखना है। ये देखिए ये इस तरह से बस ये बॉयल आ रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको स्लो फ्लेम पर कर देंगे। तो मैं इस चूल्हे पर रखती हूँ ताकि ये आराम से पकता रहे, और साथ में बड़ा मज़ेदार सा आज आप आइसक्रीम शेक भी हम बना रहे हैं। ज़ाहिर है आपको अफ्तार में आपको होता है कि कुछ मज़ेदार सा होना चाहिए, ठंडा ठाए, और इसके साथ यहाँ पर लज़ानिया रोल भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको रेसिपीज़ की बता देती हूँ, अच्छा आप नोट कीजिएगा।
सही है। अच्छा जी, जल्दी से नोट कीजिएगा इसके लिए। ये हम रमज़ान के हवाले से बना रहे हैं। देखिए, रमज़ान में आपको पता, अफ्तार के टाइम पे हम बड़ी डीप फ्राई सी चीज़ें बना रहे होते हैं, मतलब थोड़ा सा पकोड़ों का स्टाइल देते हैं या फिर इस तरह से कोई चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने जब अपने घर में ट्राई की थी तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। तो हम डीप फ्राइड लजानिया रोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक आपने लेना 6 अदद शीट्स ले लीजिएगा लजानिया की, जो शीट्स होती है। इसके साथ कॉर्नफ्लावर 1/2 कप ले लीजिएगा, चिकन का कीमा ले लीजिएगा 300 ग्राम का, इतना 1 पाव 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, मैदा ले लीजिएगा 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर 1/2 कप, 1 अदद अंडा ले लीजिएगा, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1/2 चाय का चम्मच। इसके साथ आपने ले लेना टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद चॉप की हुई चाहिए, हरी मिर्चें 2 अदद 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया हस्बे जरूरत, हमारे पास कनोलिव ऑयल है जिसको हम डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल करेंगे, और लहसुन लेंगे 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले तबस्सुम से, चलिए जी तबस्सुम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जी। आपका बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल का जवाब देंगी? सवाल का जवाब ये है, तो इसे ना मिट्टी का जो बर्तन होता है, क्या करते हैं? मिट्टी का नहीं नहीं अगर जैसे बाज दफा ऐसा होता है कि दही आपके पास ना हो तो क्या करेंगे? दही नहीं हो क्या डालेंगे, किससे जम जाएगा? टाटरी डालेंगे थोड़ी सी दूध में। अच्छा, नीम गरम दूध में टाटरी डाले? हाँ, तो फट जाएगा फौरन। नीम गरम दूध में डालेंगे हमने तो हमेशा जो है ना थोड़ा एक चमचे दही डाल के फिर दही बनाया। अच्छा ठीक, वो तो हमेशा यही हम करते हैं, जरा सा दही डालते हैं तो फिर जमते हैं। कुछ और भी तो होना चाहिए ना, बाज दफ़ा नहीं होता। अब आजकल तो वैसे ही 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 6 बजे, दूध वाले की तो खैर 8 बजे बंद होती हैं। तो क्या चले, अगर आपको याद आता है तो आप ऐसा करें 888 पर मैसेज कर दें, सही है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि उसी दही में हम जमाते हैं, हाँ हम भी सब भी यही करते हैं, लेकिन बाज दफ़ा ऐसा होता है नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। चलें जी, आप मैसेजेस करें और बताएं। इसको मैं स्लो करके रखती हूँ जब तक ये पकता रहेगा। हाँ जी, पक रहा है। मैंने कहा किसकी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दिया चिकन का कीमा 300 ग्राम, 250 ग्राम जो होता है 1 पाव होता है, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। ये हमने इसमें डाला, इसके अंदर जाएगी ये काली मिर्च, साथ में थोड़ा सा नमक, इसके बाद ऑरिगानो, लहसुन का पेस्ट, इसको यहाँ रखते हैं। शीट्स मैंने अभी बॉयल नहीं किया, आपको तो वो टूट जाती है, तो इसलिए मैं एक साइड पे पानी रखूँगी, बस उसको निकालूँगी, पानी में डिप करूँगी तो फिर हम रोल करते जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्च 2 अदद, और इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास प्याज। बस अब इसको हमने तेज़ आग पर ड्राई करना है, फिर इसको ठंडा करना है, सही है? यहाँ पर इसको हम इस तरह से पकाएंगे, फिर ठंडा करेंगे। थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे, इसके अंदर चीज़ मैं नहीं डाली, इसलिए इसको डीप फ्राई करना है तो चीज़ मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। चलें जी, थोड़ा सा इसको तेज़ आग पर हम पका लेते हैं, और फिर यहाँ पर पानी रख देंगे और एक एक शीट को हम बॉयल करेंगे, और उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। चलें जी, यहाँ पर करते हैं सफाई सतीन के साथ, जो प्योर 100% कॉटन से तैयार किया हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का, 3 गुना ज़्यादा इजाफा है इसमें, और ये ड्राई वाइप्स है, ठीक है जी। चले जी, अच्छा इसको बस थोड़ा सा हम वो तेज़ आग पर भूनेंगे, भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्याले में एक निकाल कर रखेंगे ताकि ठंडा हो। अगर गरम गरम हम इसको रोल करेंगे तो आपको पता है वो शीट्स जो होती है वो टूटना छूट जाती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसी को पहले हम यहाँ पर इसको भून के। चलें जी, ऐसा करते हैं, ले लेते हैं जब तक एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर कीमे को हमने तेज़ आग पर ड्राई किया, काली मिर्च, नमक, प्याज, हरी मिर्चें,
और लहसुन ये डालकर इसको तेज़ आग पर पका लिया और मैंने यहाँ अलग रख दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इसका जो बैटर बनाएंगे, एक अदद अंडा, इसके बाद इसके अंदर जाएगा मैदा, ठीक है, कॉर्नफ्लावर, ठीक है, कॉर्नफ्लावर के साथ थोड़ा सा पानी, हल्का सा काली मिर्च, नमक, ये गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। और लज़ानिया शीट्स के लिए मैंने यहाँ पर पानी भी रख दिया है, सही है। और चिकन हमारा दही वाला वो आराम से तैयार हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी चाय का चम्मच, और ये काली मिर्च, ठीक है, ये मैं साइड पे हटा देती हूँ। अंडे में इसलिए दो के लेके आती हूँ क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ख़राब भी निकल आता है तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है, तो ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा एक रख लिया था, तो शुक्र अभी तो सही था। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर पानी या दूध भी ले सकते हैं, दूध से भी आप बैटर बना सकते हैं, या पानी ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाह, थोड़ा गाढ़ा सा बनाएंगे, पहले आपने इसको मिक्स करना है, ये देखिएगा इस तरह से, एक साथ पानी ना डालेगा वरना ये होता है कि फिर आपको मालूम है ये तो जुड़ जाता है सारा। और हमेशा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा बनाया करें, पतला ना बनाया करें, थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर क्या होता है कि पतला हो जाता है। ये देखिए मैंने ज़रा सा इसमें पानी डाला था, बस ये हमारा बैटर जो है ये रेडी हो गया। थोड़ा काली मिर्च, नमक, अंडा, उसके साथ मैदा, कॉर्नफ्लावर, खाली अगर आप कॉर्नफ्लावर पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं तो बैठ जाता है नीचे, तो थोड़े से मैदे की वजह से वो सही रहता है। ये देख लीजिएगा इतना गाढ़ा हमें ये चाहिए, इसको मैं अभी साइड पे रखती हूँ। और यहाँ पर चिकन भी तैयार हो रहा है, मैंने क्या किया था इसमें सिर्फ हरी मिर्चें डाली थी, ये देख लीजिएगा, इसको एक ज़रा मैं चम्मच चला दूँ, बस हरा धनिया बाद में डालेंगे, ये देखें ये बड़ा अच्छा सा, ये देखें कलर इसका कितना अच्छा सा आया है, ये भी तकरीबन हो चुका है, थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे और हरा धनिया इसमें डालेंगे, ठीक है जी। और साथ में बात करते हैं नवीन के साथ जो कराची से हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदावा जी? अल्लाह का शुक्र खैरियत से, आप बताएं आपका क्या हाल है? जी मैं भी ठीक हूँ, और सच्ची आपके प्रोग्राम में कॉल करना ही बहुत मुश्किल है, देखिए लगना मुश्किल है, तो मिल तो गई कॉल जल्दी से। कब से मैं ट्राई कर रही थी, एक तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी एंड हो गई, और कितने दिनों से कर रही थी, मेरी कॉल ही नहीं लगती आपके प्रोग्राम में। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, और आपकी खाने तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे तो देसी खाने बहुत पसंद है। चलें बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी, फरमाइश क्या करेंगी? सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर आपके घर में दही ना, और दही आपने जमाना हो, तो क्या चीज उसमें डालेंगे जिससे दही जम जाए, क्या करेंगे? अच्छा, अगर दही जमाने के लिए? जी 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 जी। तो हम थोड़ा सा लाइटली जो है ना लीमू वो डाल देंगे, लाइट सा। क्या डाल? थोड़ी सी दही डालते हैं ना, खट्टी दही, तो दही तो दूध फटा हुआ दूध हो, दही तो हम डालते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो क्या करेंगे? अच्छा, तो थोड़ा उसको वो डाल देंगे, थोड़ा सा लाइटली सिरका, अगर नीम गर्म दूध में सिरका डाले या फिर आप लीमू का रस डाले तो फट जाता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि लोग कोई इस तरह ना करें। अच्छा चले, मैं मैसेज करती हूँ फिर आपको, लेकिन मैं आज मुझे विन करना है ये। चले बस आप सोचे और जल्दी से आप विन करें, ठीक है? हाँ, बस मुझे विन करना है और मैं मैसेज करती हूँ। चले ओके जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और आपने कहा। अच्छा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दी इसलिए कि रेडी हो चुका है तकरीबन, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है, गल भी चुका है, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, तो मैंने इसमें हरा धनिया डाल दी, हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी थी, अब इसको बस थोड़ी देर के लिए मज़ीद कवर करती हूँ ताकि अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा सफाई का ख्याल करते हैं, ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पर आप देखें सतीन है, तो जब पास रखा होता है आपके पास टिश्यू, वो भी प्योर कॉटन से बना हुआ, तो फिर तो दिल करता है कि बार बार यहाँ पर सफाई की जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लज़ानिया की जो शीट्स थी इसको मैंने पानी में डाल दिया, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये अब इसको थोड़ा इतना आपने बॉयल करना है कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, मैंने दो शीट इसमें डाली हैं, और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, ठंडा करके यहाँ पर मेरे पास है चिकन है, यहाँ पर टोमेटो केचप है, ये बैटर है, चिकन और टोमेटो केचप अंदर लगा कर इसको रोल करेंगे, फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है, ये अभी नहीं हुई है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मैं चेक कर लेती हूँ इतना हो कि आप इसको रोल कर सको, ये अभी थोड़ी सी सख्त है,
हाफ डन इसको करना है, अभी तो बहुत कच्ची है, तो बस इसको निकालेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, रोल करेंगे, अंदर फिलिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पर, फिर एक हमने ड्रिंक बनाना है। ड्रिंक का भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर तैयार करके रख दी है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो बड़ा मज़ेदार सा एक हम बना रहे हैं। बादाम भी है, स्ट्रॉबेरीज भी हैं, वनीला एसेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें डालकर, चीज़ ऊपर से चॉकलेट कद्दूकस करके रखी है वो ऊपर से डालेंगे। अच्छा, चिकन को मैं निकाल लेती हूँ। ठीक, फातिमा है, चलें जी फातिमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। मेरी कार लग गई, कार मिला मिला पाँव ठंडे हो जाते हैं, पाँव ठंडे होते हैं, बस कार नहीं मिलती, बस कर दूँ अब। लेकिन माशाल्लाह आपके साथ मोहब्बत है ना जो, वो मेरी कार मिल ही जाती है। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो ना मैं सवाल का जवाब ये दूंगी। जी जी बिल्कुल, तो करूँ या ना करूँ ये तो मुझे पता नहीं, ये अल्लाह को पता है। तो मैं दही जमाती हूँ ना अक्सर, तो कभी ना ना हो ये दही ना हो, हाँ। तो हरी मिर्चें डाल देते हैं बाजुका, तो दही जम जाती है, नीम गर्म दूध करके, या प्याज का टुकड़ा बच्चे बता रहे हैं वो है। डाल दें, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी चीजों से फट जाता है दूध, वो तो इस तरह दही नहीं जमती ना। सही कह रही है, सही कह रही है। और दूध खालिस हो, अच्छा दूध तो खालिस होना चाहिए, आपके साइड में तो अच्छा मिलता है। माशाल्लाह दही बनाते हैं हम लोग, खुद घर में हम लोग भी घर में ही बनाते हैं। दो माशाल्लाह दही जमाती हूँ ना, हमारे इलाके में दूध खालिस मिलता है माशाल्लाह हमें। चले, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, आपने टोटका बताया। चले जी, हम देखेंगे कि आपने कितना सही बताया कितना सही नहीं बताया। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर वो चिकन तो रेडी हो गया, तो थोड़ा सा मैं चाह रही थी इसका ज़रा सा कलर आ जाए, तो थोड़े से मैंने दो टोमेटो को इस तरह से स्लाइस में कटिंग करके इसको बस दम में डाल रही हूँ, बाकी इसको वैसे तो ठीक है जी। और यहाँ पर लज़ानिया शीट निकालते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, एक दो की मैं फिलिंग कर लूँगी, बाकी एक आध की मैं आपको भी बताऊँगी कि किस तरह से बनाना है और किस तरह से नहीं बनाना। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आप बताएं 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। अगर आपके घर में दही नहीं है और आपने दही सहरी के लिए जमाना है, तो आप क्या चीज़ उसमें डालेंगे कि दही सुबह तक जम जाए? तो बस आप करें 8881 पर मैसेजेस, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं रोल, बन रहे हैं जो लज़ानिया रोल्स बन रहे हैं, रोल्स को सब मैंने करके रख दी है। अब यहाँ पर हम लेंगे कनोलिव ऑयल, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, जिसकी मैं क्या आपको तारीफ़ करूँ, वाकई इतना अच्छा ऑयल है, जिसको आप अपने घर में इस्तेमाल करें, जो आपके खानों का जायका भी बढ़ाता है, उसके साथ साथ ये आपकी सेहत के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसलिए इसके अंदर शामिल है सनफ्लावर, साथ में कनोला, और इसके साथ इसमें शामिल है जैतून, जो एंटी ऑक्सीडेंट है, जो आपकी सेहत को, मतलब कहते हैं ना कि हर कोई होता है कि सबसे पहले ये होता है कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो मैं जब आप अच्छा ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत ऑटोमेटिक अच्छी रह जाएगी। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है कनोलिव ऑयल, थोड़ा सा ये गर्म हो रहा है, बल्कि मैं इस साइड पर रख देती हूँ ताकि उसमें पानी का छट्टा ना डले। ये गर्म हो रहा है, और एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने रोल किए थे। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा टोमेटो केचप डालने के बाद इसको आपने इस तरह से रोल करना है, ठीक है। रोल करने के बाद आप लगा लीजिएगा, टूथपिक लगा लीजिएगा, ताकि ये ज़रा इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, वरना ये होता है आपको पता है ये निकलना शुरू हो जाते हैं। ये हमने इसकी इस तरह से, बाद में बेशक जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये रखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा, इस रोल करके इसको रखे हुए बैटर के अंदर, जो मैंने अंडा, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और मैदा डाल के रखा हुआ था, इसके अंदर हमने रखे हैं। अभी इसको थोड़ा सा इस तरह से कोट करने के बाद, जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसके अंदर हम डालकर इसको कर लेंगे। और एक दफ़ा दोबारा से आपको यहाँ पर बता देती हूँ आप किस तरह से करना है। आपने लेना है टोमेटो केचप, थोड़ा सा चीज़ नहीं डालेंगे, चीज़ को अगर हम इसमें डालते तो क्या होता है कि वो फिर मेल्ट हो जाती है जब हम इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, साथ में मैसेजेस करें 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है, सवाल हमारा ये था कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि अगर आपके घर में दही नहीं है और आपने दही को जमाना है, तो आप क्या चीज़ उसमें डालेंगे जिसकी वजह से दही जो है जम जाए? तो बस करें ढेरों SMS और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है ज़बरदस्त किस्म की आयरन है, स्टीम आयरन, जो आपको मिल रही है। अच्छा जी, इसको तो मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये पानी बॉयल हो गया, ये हमारी शीट्स को हाफ डन हमने की, इसको भी हम रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमने गरम कर लिया है कनोलिव ऑयल, और इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ड्रिंक बनाएंगे, बड़ा मज़ेदार सा एक शेक बन रहा है, ठीक है, उसकी तरफ चलेंगे। तो इसको आपने इस तरह से बड़े आराम के साथ अच्छी तरह से इसको कोट करना है, ताकि ये निकले ना।
और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, जब ये फ्राई हो जाएगा आप आराम से इसकी टूथपिक निकाल लीजिएगा असली के, फिर वो जब फ्राई होने के बाद ये सेट हो जाता है। देख लीजिएगा, इसको भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। देख लीजिएगा जो खुल गया है, इसको एक टूथपिक और लगा लेंगे ताकि ये इसके अंदर इसकी बाइंडिंग हो जाए। चलेंगे ये, पर ये जब तक ये फ्राई हो रहा है मज़ीद बाकी को भी रोल करके वो भी इसके अंदर डालेंगे। और आपको ड्रिंक का बता देते हैं हमने किस तरह से बनाना है, उसके अज्जा बताऊं फिर ताकि हम ड्यूरिंग ब्रेक उसको भी बना लें। ये देख लीजिएगा, जल्दी से अज्जा नोट कीजिएगा, सिंपल से, इतने ज़्यादा नहीं। आइसक्रीम शेक के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए आइसक्रीम, आप एक कप ले लीजिएगा कोई भी फ्लेवर की, दूध ले लीजिएगा दो गिलास, चंद कतरे आपने वेनिला एसेंस के लेने हैं, चीनी चार खाने के चम्मच, बर्फ़ एक कप है, स्ट्रॉबेरीज चार अदद है, बादाम चार तकरीबन एक खाने का चम्मच ले लीजिएगा बारीक कटे हुए, और चॉकलेट एक खाने का चम्मच जो ऊपर से हम इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं बर्फ़ ले लेती हूँ, आइसक्रीम तो मैं खैर बाद में डालूँगी जब हम उसको उसके अंदर डालेंगे, तो बाद में आइसक्रीम ऊपर से डालेंगे। ठीक है, चलेगी, यहाँ पर डाल दें बर्फ है। सारी इसके अंदर जम गई है। रख दो थोड़ी देर के लिए, तो ये फिर जमना शुरू हो जाती है। चलेगी, सबसे पहले आप बर्फ़ डालें वरना आपको पता उड़ना शुरू हो जाती है। स्ट्रॉबेरी दो अदद हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें शुगर डालनी है, साथ में दूध डालेंगे। वनीला एसेंस, चले जी अब हम चला देते हैं ब्लेंडर को, और जब तक ये ब्लेंडर चल रहा है तो लेते एक ब्रेक। दही चिकन, अच्छा चिकन आधा किलो, दही आधा कप, लहसुन दो चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना जीरा खाने का चमचा, गोल मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब, चिकन में तमाम अज्जा मिक्स करके आधा घंटा रख दें, फिर पैन में तेल गर्म करके 15 मिनट ढककर पकाएं, जब पानी खुश्क हो जाए तो तेज़ आंच पर पकाकर सर्व करें। डीप फ्राइड लज़ानिया रोल्स, अज्जा लज़ानिया शीट्स उबली 6 अदद, चिकन का कीमा 300 ग्राम, कॉर्नफ्लावर आधा कप, मैदा आधा कप, अंडा 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, केचप 4 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा। तरकीब, पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन डालें, फिर इसमें कीमा, नमक, ओरिगानो और काली मिर्च डालकर भून लें। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें, फिर लज़ानिया शीट के 2 हिस्से करके इस पर कीमा डाल के रोल कर लें। उसके बाद मैदा, अंडा और कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके गाढ़ा मिक्सचर बना लें, फिर इसमें लज़ानिया रोल्स को इसमें डिप करें और तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। आइसक्रीम शेक, अच्छा आइसक्रीम 1 कप, दूध 2 गिलास, वनीला एसेंस चंद कतरे, चीनी 4 खाने के चमचे, बर्फ़ 1 कप, स्ट्रॉबेरीज 4 अदद, बादाम 4 अदद, बारीक कटी चॉकलेट 1 खाने का चमचा। तरकीब, ब्लेंडर में बर्फ़, चीनी, स्ट्रॉबेरीज, वनीला एसेंस, बादाम और दूध डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, आखिर में ग्लास में निकालकर आइसक्रीम और बारीक कटी चॉकलेट डालकर सर्व करें। आइसक्रीम शेक, अच्छा आइसक्रीम 1 कप, दूध 2 गिलास, वनीला एसेंस चंद कतरे, चीनी 4 खाने के चमचे, बर्फ़ 1 कप, स्ट्रॉबेरीज 4 अदद, बादाम 4 अदद, बारीक कटी चॉकलेट 1 खाने का चमचा। जी,
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर लज़ानिया रोल रेडी हो चुके हैं और ये हमारा ड्रिंक, मज़ेदार सा आइसक्रीम ड्रिंक जो है वो भी रेडी हो चुका है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलिए, सही है। और मज़ेदार सा चिकन भी तैयार हो चुका है। ठीक है, अच्छा, आइसक्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी थी, ग्लासेस के अंदर आइसक्रीम डाली, ऊपर से आपने इसको जो हमने थोड़ी सी शुगर डाली थी, स्ट्रॉबेरी डाली थी, साथ में इसके अंदर दूध डाला था और वेनिला एसेंस डाला था, इन सब चीज़ों को आपने चला देना। चलाने के बाद ग्लासेस के अंदर आपने आइसक्रीम डालनी, आइसक्रीम के अंदर आपने पूरा वो शेक बनाया हुआ वो डालिएगा और ऊपर से एक स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट कर लीजिएगा और साथ में इन सब चीज़ों से मज़ेदार सा आइसक्रीम शेक जो है तैयार हो जाएगा। और लज़ानिया रोल ज़रूर रेडी तैयार कीजिएगा, इसलिए कि जब आपको पता अफ्तार है, अफ्तार के टाइम पर इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। चिकन जो है चिकन भी ट्राई कीजिएगा, चिकन सिंपल रेसिपी है, दही के अंदर आपने सारे मसाले लगा के आप छोड़ दीजिएगा, उस पर कुनोला ऑयल, कुनोलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, उसके अंदर डालकर चिकन ढक दीजिएगा। आप अपने काम, जो भी आपने काम करने, अपने काम करते रहेगा और आराम से ये पकता रहेगा। आखिर में मैंने थोड़े से टोमेटोज डाल दिए थे ताकि कलर अच्छा आ जाए और थोड़ा सा खटास भी इसमें आ जाएगी, वैसे मैंने तो इसमें सिरका भी डाला था। अच्छा जी, जरना क्या बना रही है? दाल पापड़ी चाट बना रही है और अच्छा पनीर पैनकेक विद डिप बन रही है। तो चलें जी, आपने ज़रूर देखना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की विनर कौन है? फातिमा रियाज है इस्लामाबाद से। चलें जी फातिमा जी, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला एनएक्स का गिफ्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़रा सा हौसला रखिएगा, लॉकडाउन है, सब बंद है, आराम से आपको रमज़ान के बाद मिल जाएगा। ठीक है जी, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ का, उस हद तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।